वैभव फुलवानी, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। अक्षित महाजन, वेरी गुड मॉर्निंग। सानवी, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। प्रतीक, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा। कुमुद ठाकरे, वेरी गुड मॉर्निंग। हर्षल, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। और अहर्षी, वेरी गुड मॉर्निंग मेरे लाल। कम फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर यू। जल्दी जल्दी आ जाओ बेटा। बच्चा, हम जहाँ जब जो कर रहे थे वो लेसन था, हमने स्टार्ट किया था जो लेसन, वो था हमारा बुलबुल, है ना। बुलबुल था, बुलबुल हमारे आसपास में ही रहती है लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते हैं, है ना। वो बहुत ऊंची आवाज में बोलती है। तो इस वाले लेसन में बुलबुल को पहचानने के कई सारे तरीके दिए गए हैं, है ना। तो हमने ये लेसन पढ़ लिया था, ओके। और अब जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, है ना। और एक एक्सरसाइज में करा चुकी थी, बल्कि दो, उसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ बेटा, है ना। यस, जतिन कनवाल, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। और अक्षत फुलवारिया, वेरी गुड मॉर्निंग। शाश्वत, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा। यस, है ना। तो मैं नेक्स्ट जो है अपना कराने जा रही हूँ बेटा अभी, वो है हमारा यस आयुष पांडे, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा मेरा बच्चा, है ना। तो हमने जो है सिपाही बुलबुल ये वाली हमने कर ली थी, और इसमें जो है बहुत सारे पक्षियों के कलगी होती है। कलगी का मतलब क्या होता है बेटा, जानते हैं आप? मतलब सिर के ऊपर पंखों का, बालों का गुच्छा, है ना, उसे हम कलगी कहते हैं। तो कई सारे जो पक्षी होते हैं उनकी स्किन का ही एक पार्ट होता है वो, है ना। उसके पंख नहीं होते हैं या बालों का गुच्छा नहीं होता है, ओके बेटा, सही है मेरा बच्चा, ठीक है। तो बालों के गुच्छा जो ऊपर की तरफ होता है ना सिर के ऊपर, उसे हम कलगी कहते हैं, है ना। तो हमने ये वाला क्वेश्चन कर चुके थे हम, और इसमें दूसरे पक्षियों के बारे में भी आपसे पूछा है। क्या कह रहे हैं ये, सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे ही कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है, बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है। अब पक्षी, एक तरफ हमने पक्षी लिखे थे और दूसरी तरफ उसके कलगी का रंग लिखा था कि उसके सिर की कलगी किस रंग की होती है। जैसे मुर्गा, मुर्गे की कलगी का रंग होता है लाल, है ना। और हमने मोर लिखा था, और मोर की कलगी का रंग क्या होता है, गहरा नीला, यानी नीला भी लिख सकते हैं आप और गहरा नीला भी लिख सकते हैं, ओके। इसके अलावा मैंने एक और पक्षी का नाम लिखाया था, वो था गुदगुद। उसकी जो कलगी होती है बहुत सुंदर होती है ना। तो उसकी जो कलगी का रंग है वो हल्का बादामी होता है, ओके बेटा। तो अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं जो क्वेश्चन है, क्या सिपाही बुलबुल के जो हेडिंग है उसी के अंदर है ये क्वेश्चन, उसी के अंतर्गत है ये क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन भी लिखूंगी और देन उसके बाद उसका आंसर भी लिखूंगी, ओके बेटा। तो जल्दी से हम लिखेंगे और खुद का खुद हैंडराइटिंग में करेंगे, क्या है ना। मैं आप हेडिंग पर डालना बेटा, क्योंकि आप डाल चुके थे हेडिंग, ठीक है। आप हेडिंग नहीं लिखेंगे, ओके। सिपाही बुलबुल और इसकी हेडिंग के अंतर्गत ही ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ग क्या है, कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे, ओके।
बुलबुल के सिर की कलगी को देखा है ध्यान से बेटा? आपके इसमें पिक्चर्स दी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें ये जो पिक्चर है इसमें आप देख रहे हैं इसकी जो ये है कलगी है, देख रहे हैं आप किस तरह से आप आगे को निकली हुई होती है, ये देखो है ना, निकली हुई है ना। ऐसे ही जो कैप होती है यानी टोपी, टोपी जो होती है आपने देखा है सिपाही लोगों को टोपी पहनते हुए पहने हुए देखा है ना, उनकी जो टोपी होती है वो कैसी होती है ना? यानी इस तरह की होती है, ओके, ऐसे निकली हुई होती है वो टोपी, ये है ना। तो ये जो है आगे को निकली हुई होती है ना, ऐसे शेप होती है ना उसकी आगे को निकली हुई थोड़ी सी, देखा है ना आपने, पुलिस लोग जो लगा के खड़े रहते हैं है ना, देखा है ना आपने, ओके। तो उनकी जो कलगी वो उनकी जो टोपी होती है वो आगे को निकली हुई होती है ऐसे करके, ऐसे आगे को, ऐसे ही सिपाही के सिर की जो कलगी होती है वो आगे की तरफ को होती है, यानी सिपाही की तरह, सिपाही की टोपी की तरह दिखने वाली होती है उसकी कलगी। तो और केवल सारी बुलबुल के सिर पर कलगी नहीं होती है, केवल जो है सिर्फ और सिर्फ जो सिपाही बुलबुल कहलाती है उसके सिर पर ही काले रंग की कलगी होती है, और उसकी कलगी की वजह से ही उसे सिपाही की पदवी दी गई है। यानी हर एक में ये विशेषता नहीं होती है, हर एक बुलबुल में जिस बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है केवल वही जो है सिपाही बुलबुल कहलाती है। तो सिपाही बुलबुल की कलगी जो है वो दिखने में सिपाही की कलगी, यानी सिपाही यानी जो पुलिस वाला होता है, जो सिपाही होता है उसकी टोपी की तरह दिखने वाली कलगी, यानी टोपी की तरह दिखने वाली होने के कारण, दिखने की वजह से है ना, टोपी की तरह दिखती है उसकी वजह से उसको कलगी, उसको जो है हम सिपाही बुलबुल कहते हैं, क्योंकि केवल तो हम जो आंसर लिखेंगे वो है सिपाही बुलबुल के सिर पर ही Thank you.
कलगी काले रंग की कलगी होती है, बस ये लिख लो आप। वरना फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप, है ना, इसलिए मैं हिंदी का नहीं लिखा रही हूँ। इतना ध्यान रखो कि वो क्यों कहते हैं हम उसको सिपाही गुंबद, इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो सिपाही की टोपी होती है, टोपी यानी जो कलगी होती है। अभी मैं इसमें बेटा चौक लगा रही हूँ, और एक मिनट, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है नीचे वाला। एक मैडम आठ आठ कर आ रही है, आठ आठ कर आ रही है, अटक अटक कर आ रही है। बेटा कैसे आ रही है अटक अटक कर? आपका जो है सर्वर कैसा चल रहा है? नेटवर्क प्रॉब्लम है? ठीक है, हाँ आज बेटा थोड़ा सा हो रहा है नेटवर्क में प्रॉब्लम। ओके यस सानवी, हो गया सही बेटा? यस है ना, यस वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। अविनाश, आयशा, आत्मिका, वेरी गुड मॉर्निंग। यस प्राची, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। यस हाँ जी, यस गुड मॉर्निंग। रोहिणी मीना, दिया शर्मा, शौर्या, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। सानवी आ गई आपकी पिक्चर बेटा? यस वैभव ने कर लिया है, प्रतीक ने भी कर लिया है, निखिल ने भी लिख लिया है ना। तो जो जो ये बुलबुल की जो कलगी होती है ना बेटा, वो कैसी होती है? वो होती है सिपाही की कलगी जैसी, सिपाही की टोपी जैसी, यानी सिपाही की टोपी पर जो है वो पंखों का एक गुच्छा सा ऊपर होता है ना बेटा। आपने एनसीसी में जो भैया रहते हैं है ना, उनको कभी कैप लगाए देखा है आपने? हमारे यहाँ बच्चे जो है एनसीसी में होते हैं, जो स्काउट गाइड में होते हैं, उनकी टोपी में भी कलगी की तरफ पंख जो है ऐसे ऐसे लगे होते हैं आगे की तरफ यहाँ पर, है ना। अगर हो सकता है अगर मुझे कैप मिलेगी स्पोर्ट्स रूम में, तो मैं आपको कल लाकर दिखाऊंगी। ओके बेटा, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि वो सिपाही उसको क्यों कहते हैं, है ना, उसकी टोपी कैसी होती है सिपाही की। यहाँ पर उसके जो टोपी होती है ना बेटा, ये टोपी है, और यहाँ पर जो है उसके जो कलगी है, वो यहाँ पर उसकी कलगी के यहाँ पर, मतलब टोपी के ऊपर यहाँ पर जो है वो अभी तो बालों का गुच्छा कह लीजिए या आर्टिफिशियल थ्रेड का ये बना के ऊपर ऐसे लगाते हैं, है ना, तो उसको कहते हैं, है ना। तो वो कलगी होती है उनकी, तो उसकी जो कलगी है वो बुलबुल की तरह ही होती है ना, या कह लीजिए कि उसकी कलगी की तरह बुलबुल की कलगी होती है, बात तो सेम ही है ना बेटा। ओके चलिए, यस हो गया, यस वेरी गुड, शाबाश सुमंगला, वेल डन बेटा। जिन बच्चों ने कर लिया है वेरी गुड, है ना, आगे बेटा अटक अटक कर आ रही है। सानवी अभी भी सही नहीं हुआ बेटा? Yes. बेटा यहाँ से तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर्वर में कुछ हो रहा है शायद। यस ओके बेटा, मैं नेक्स्ट वन करा रही हूँ अभी, फिर है पार्ट में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई है, इसको मैं रद्द कर रही हूँ। ओके यस, पार्ट में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं, उनमें से कोई तीन बातें लिखो। मैं यहाँ पर तीन नहीं लिखवाऊंगी, मैं ज्यादा लिखवाऊंगी, क्योंकि कई बार जो है तीन नहीं आता है, कम से कम पांच सेंटेंसेस लिखने के लिए आ जाते हैं, पांच वाक्य लिखने के लिए आ जाते हैं बेटा। ओके तो मैं यहाँ पर
तीन से ज्यादा सेंटेंसेस बुलबुल के बारे में लिखवाऊंगी। ओके बेटा, चलिए अब लिखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपका घ क्वेश्चन। पहले मैं क्वेश्चन लिखा रही हूँ, देन उसके बाद आंसर लिखवाऊंगी बेटा। पांच में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं। ओके बेटा सानवी, यस आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गई बच्चा। हाँ यस, जतिन का भी हो गया है, वेरी गुड, शाबाश। और ये हिमांशी, यदि आप मुझे सुन रहे हैं तो बेटा स्टूडेंट प्रोफाइल जो स्टूडेंट डिटेल जो है वो भरकर भेजनी है ये। और ये युवराज मीना, ये सॉरी युवराज, यस युवराज गोसर, आपको भी स्टूडेंट डिटेल्स भरकर भेजनी है। कल भी आपकी मम्मी से बात की थी मैंने, लेकिन अभी तक आपका कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है। और हिमांशी आपके फोन जो है वो लग नहीं पा रहा है बेटा, यानी मैं लगा भी रही हूँ तो कोई उसको रिसीव नहीं कर रहा है, उठा नहीं रहा है उसे। ओके, तो आप या तो मुझे क्लास के बाद कॉल करिए। ओके बेटा, है ना, तो मैं आपको समझा दूंगी, और नहीं तो पापा को बोलना कि स्कूल आ जाएंगे और समझ लेंगे कि वो कैसे करना है, है ना बेटा, ठीक है, वो करके भेजना है, नहीं तो फिर आपकी वर्कशीट चेक नहीं हो पाएंगी, ये ध्यान में रखना। ओके बेटा, तो ये जरूरी है इसीलिए हम कह रहे हैं, अदरवाइज हम बोलते भी नहीं आपसे, ठीक है। हाँ यस, हाँ यस, ओके बेटा, यस मेरा बच्चा, करिए, है ना। तो अभी जो है मैं यहाँ पर थोड़ा सा और जो है ज्यादा लिखाऊंगी वाक्य, ठीक है। सबसे पहले बुलबुल बहुत ऊंची आवाज में बोलती है, यानी बहुत, ठीक है, बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है, पहला सेंटेंस है। ओके, वन नंबर पर डालिए, बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। पहला है ये, है ना। फिर दूसरे नंबर पर दूसरा लिखेंगे, ओके, ये क्या है, बुलबुल के पूंछ के नीचे का रंग लाल होता है। ओके बेटा,
बुलबुल कीड़े फल और सब्जी खाती है। आपको पता है बुलबुल क्या करती है? पीपल और बरगद के पेड़ पर से कीड़े ढूंढकर खाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बुलबुल कीड़े फल और सब्जी भी खाती है। बहुत सारे पक्षी कीड़े मकोड़े जो छोटे घास में छोटे छोटे छुपे रहते हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर वो खाती है। ये उसका खाना होता है बेटा, है ना बच्चा? हाँ यस रियशी, हाँ ओके वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। इसके बाद है हाँ मैं अभी ऊपर का काम कर रही हूँ बेटा, जल्दी से लिख लो इसको, ठीक है? अभी और लिखाऊंगी मैं इसी में। जल्दी से आप लिखिए और बोलिए मैडम हो गया। ओके बेटा जल्दी से लिखो, लिख लो मेरा बच्चा। यस मेरा लाल शौर्या हो गया, वेरी गुड शाबाश मेरा बच्चा। यस जतिन का भी हो गया, वेरी गुड वेल डन बेटा। यस मेरा लाल जल्दी से लिखो, यस अरे वाह रेहब का भी हो गया, यस वेरी गुड शाबाश, है ना? अब मैं इसको ऊपर वाले को रब कर रही हूँ। ओके यहाँ पर जो है मैं फोर नंबर वाला सेंटेंस लिख रही हूँ बेटा, ठीक है? फोर नंबर का जो सेंटेंस है उसको लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है? बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं और बुलबुल का घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है, ठीक है? जैसा दिखता है। ओके बेटा ये हो गया। अब इसके बाद इसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। बेटा
हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, पिंकी 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 है ना, पिंक कलर के होते हैं, ओके। और उन पर लाल, बैंगनी और भूरे रंग की डॉट्स होती हैं, बिंदियां होती हैं बेटा, है ना मेरा बच्चा, जल्दी से लिख लो अब इसको, ओके। यस, उपासना आप क्या लिख रहे थे बेटा, हुआ या नहीं हुआ अभी आपका? यस, वेरी गुड, शाबाश, ओके। आप उसके शरीर के बारे में भी लिख सकते हैं, उसके शरीर का रंग भूरा है ना, और जो सिर होता है उसका वो होता है काले रंग का, है ना। तो बुलबुल के सिर का रंग काला होता है और उसके शरीर का रंग कैसा होता है, हल्का भूरा, है ना, ये आप लिख सकते हैं। हाँ, यस, अहर्षि हो अभी, यस बेटा, चलिए हो गया बेटा। आप ये भी लिख सकते हैं कि बुलबुल को हमसे डर नहीं लगता है, आप ये भी इसमें लिख सकते हैं कि बुलबुल हमसे डरती नहीं है, या बुलबुल को हमसे डर नहीं लगता है, आप इसमें ये भी लिख सकते हैं बेटा, है ना। उसके शरीर के रंग के बारे में लिख सकते हैं, उसके खान पान के बारे में लिख सकते हैं, उसके घोंसले के बारे में लिख सकते हैं, उसके अंडों के बारे में लिख सकते हैं, यानी उससे रिलेटेड आपने जितना भी इस लेसन के अंदर पढ़ा है उसमें से कोई से भी 5 सेंटेंस आप याद करके रखिए, ओके बेटा। तो 5 सेंटेंस लिखने के लिए आपको आते हैं, है ना, इसमें 3 दिए थे मैंने आपको, 6 लिखा दिए हैं, तो आप जो है 6 सेंटेंस, 5 सेंटेंस या 6 सेंटेंस आप याद करके लिखेंगे, ओके बेटा। अब जो है मैं नेक्स्ट हेडिंग कराने जा रही हूँ, वो है बुलबुल और तुम, जल्दी से लिख लो जिनका नहीं हुआ है बेटा, जल्दी से कर लो। प्रतीक का भी हो गया, वेरी गुड, शाबाश बच्चा। सानवी का भी हो गया है और प्राची का भी हो गया है, वेल्डन बेटा, यस, वेरी गुड, शाबाश मेरा बच्चा। और ये कौन है बेटा, अपना नाम लिखिए बच्चा, अच्छा मोहित गहलोत, ओके, यस डन मैडम, वेरी गुड, शाबाश। कुमुद का भी हो गया, वेरी गुड, नाइस। और आयुष का भी हो गया है, वेल्डन बेटा, वेरी गुड, शाबाश मेरा बच्चा। तो अब मैं जो है नेक्स्ट एडिट डालने जा रही हूँ, वो है बुलबुल और तुम, यानी आपसे बुलबुल का कंपैरिजन किया गया है, यानी हम लोगों से बुलबुल का घर कैसा होता है, हमारा घर कैसा होता है, और बुलबुल क्या खाती है, हम क्या खाते हैं, है ना, इस तरह से, ओके बेटा। चलिए आइए हम लोग इसे करते हैं नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज को। उसका नाम है बुलबुल और तुम। है ना, तो दो लाइन छोड़ के नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बुलबुल और तुम। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद आप क्वेश्चन लिखेंगे, पहला प्रश्न नंबर 2, है ना। इसके अंतर्गत भी कई सारे प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से पहला है बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है, हो गया, अच्छा बेटा। दिया का भी हो गया है, वेरी गुड, शाबाश मेरा बच्चा। जिया का भी हो गया है, वेरी नाइस, वेल डन बेटा, है ना। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है, Thank you.
घास और जड़ों से बनाती है, तुम्हारा घर किन चीजों से बना है? लेसन के अंदर क्या पढ़ा था? बुलबुल का जो घर है वो अपना जो घोंसला है, बुलबुल कहाँ रहती है? घोंसले में रहती है ना। तो बुलबुल अपने घोंसले को किससे बनाती है? पौधों की पतली जड़ों से और घास के तिनकों से बनाती है ना। और उसका जो घोंसला है वो अंदर से कटोरे जैसा दिखता है, बाउल की तरह, है ना, बाउल की तरह दिखता है। ओके। और जो हम है, हम तो घर में रहते हैं, हमारा घर तो बड़ा होता है। ओके बेटा, ये किस चीज से बना होता है हमें वो यहाँ पर लिखना है। ओके, हमारा घर ईंट, सीमेंट बालू लकड़ी लोहा कांच और पत्थर से बना होता है। सीमेंट बालू आदि चीजों से बनती है ना, और इनके बीच में लोहे की सरियां होती हैं, है ना। छत को जब छत डालते हैं तो उसके अंदर लोहे की सरियां जो हैं वो डाली जाती हैं, वो लोहे से बनी होती हैं। ओके बेटा, आप देखते हैं खिड़कियों के ऊपर लोहा लगा होता है, लोहे की ग्रिल होती है, है ना, और शीशा कांच, है ना, लकड़ी के दरवाजे होते हैं, पत्थर, है ना। अब देखो पत्थर जो है वो हम फर्श में भी यूज करते हैं, और आपकी जो टाइल्स है ना किचन की वो भी पत्थर ही है बेटा, है ना। तो हम उससे भी हमारा घर बनता है, हमारा घर, यहाँ पर घर लिखना बेटा। ओके, हमारा घर ईंट सीमेंट बालू लकड़ी लोहा कांच और पत्थर से बना होता है। हमारा घर, घर लिखना मत भूलना बेटा, यहाँ पर घर है ना, ये घर भी लिखा है इसके बीच में यहाँ पर। ओके, घर, हमारा घर ईंट सीमेंट बालू लकड़ी लोहा कांच और पत्थर से बना होता है। ओके बेटा, ये है ना राजा बेटा, जल्दी से लिख लो। यस, प्राची मीना हो गया, प्रतीक हो गया आपका भी, वेरी गुड, शाबाश मेरा बच्चा। यस, वेरी गुड राजा बेटा मेरा, जल्दी से लिख लो। ओके, दिया हो गया, अच्छा वेरी गुड, शाबाश मेरा बच्चा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर, अभी ये बताओ कराओगे उसके बाद फिर क्लास का टाइम ओवर हो गया है ना, बस ये और लिखो आके मैं आपकी क्लास को ओवर करूंगी फिर, है ना, क्लास ओवर होने का टाइम हो जाएगा फिर। ओके, बस बुलबुल क्या खाना पसंद करती है और तुम्हें क्या क्या पसंद है? ओके बेटा, बुलबुल क्या खाना पसंद करती है ये अभी हमने पढ़ा है ना। दिए गए हैं। ओके, पहला है बुलबुल क्या खाना पसंद करती है, और दूसरा तुम
बुलबुल कीड़े फल और सब्जी खाती है ना, और उसको क्या पसंद है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा उसको मटर और अमरूद खाना पसंद है ना। तो हम ये पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद अपनी पसंद आप लिखेंगे। ओके, तो पहले हम लिखेंगे बुलबुल को कीड़े फल और सब्जी इसे मिलाकर लिखना बेटा, है ना। बुलबुल कीड़े फल और सब्जी खाती है। ओके, मिलाकर लिखना इसको, मैं मिलाकर लिखती हूँ, फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी। उसे मटर और अमरूद खाती है, उसे मटर और अमरूद बहुत पसंद है। ठीक है, अब आ गया हमारी बारी। ओके, हमें क्या क्या पसंद है तो हम यहाँ ले लेंगे। हमें हलवा पूरी छोले भटूरे केक चॉकलेट मैगी। बच्चों को मैगी बहुत अच्छी लगती है ना। छोले भटूरे केक चॉकलेट मैगी और पुलाव और मिठाई बहुत पसंद है। ठीक है बेटा, हमें हलवा पूरी छोले भटूरे केक चॉकलेट मैगी पुलाव और मिठाई बहुत पसंद है। इसके अलावा भी बेटा आप अपने अपनी पसंद की चीजों के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके बच्चा मेरे, जल्दी से कर लो, क्लास का टाइम ओवर हो गया है। ठीक है बेटा, जल्दी से लिख लो। ओके मेरा बच्चा, जल्दी। यस आयशा, डन हो गया बेटा, वेरी गुड, शाबाश मेरा बच्चा। ओके, आपको पनीर मैंगो पास्ता बनाना हलवा पसंद है। अक्षित, आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं बेटा। ओके यस,
है ना, आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ओके बेटा, अपनी इच्छा के अनुसार भी आप लिख सकते हैं। वैभव कुलवानी हो गया मैडम, दिया हो गया, यस प्राची, यस बेटा हो गया मेरा बच्चा। चलिए अब जल्दी जल्दी से लिख लीजिए, है ना, फिर आपकी क्लास का टाइम हो चुका है और मैं आपकी क्लास अभी ओवर करने जा रही हूँ, खत्म करने जा रही हूँ बेटा, है ना। ओके मेरा बच्चा, यस अहर्षी हो गया मेरा बच्चा, लाल मेरे, यस जल्दी से लिख लो। हिमांशी और युवराज प्लीज, है ना, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो स्कूल में आकर के आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टूडेंट डिटेल भेजनी है। मैंने कल आप युवराज की मम्मी से तो बात की है ना, उनको बता दिया था, लेकिन अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो आप स्कूल में आइए, है ना। और हिमांशी आप अगर सुन रही हैं मुझे तो पापा को बोलिए कि मैडम स्कूल बुला रही हैं आपको, ओके, स्कूल में आना है उन्हें, है ना। आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, आप फोन कर रही हूँ आप फोन भी नहीं उठा रहे हैं, है ना बेटा। तो ये डिटेल भेजना बहुत जरूरी है, तो आप मम्मा को बोल देना मैडम ने आपको स्कूल में बुलाया है, ओके ठीक है, क्योंकि सारे बच्चों का आ गया है, केवल आप दोनों का रह गया है, और जिन बच्चों की फीस जमा हो गई है वो बच्चे अपने, जिन बच्चों ने भेज दी है वो नहीं भेजेंगे, जिन बच्चों ने अभी फीस जमा करी है वो अपनी रिसीट की फोटो खींच करके मैडम को क्लास ग्रुप पर सेंड करेंगे, है ना बेटा, क्लास ग्रुप पर भेजना, ओके। चलिए अब मैं क्लास खत्म कर रही हूँ बेटा, बाय मेरा बच्चा, टेक केयर, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, आपका है ना, आपका काम छूटे ना ये ध्यान रखना, ओके। अगर आपकी कोई क्लास छूट जाती है तो बाद में उसे देख सकते हैं आप, लेकिन आपको अपना काम पूरा करना पड़ेगा, ओके मेरा बच्चा। चलो अब मैं क्लास खत्म कर रही हूँ बेटा, बाय मेरा बच्चा, बाय मेरा लाल, है ना, ध्यान रखना अपना, ओके। चलिए बाय बाय मेरा लाल, ठीक है, बाय मेरा बच्चा, चलो।